दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कृत्रिम हाथ के ऊपर, नकली हाथ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसपे काफ़ी सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हमें ये हाथ चाहिए और हमें ये हाथ अगर लगवाना है तो कैसे मिलेगा और क्या इसके चार्जेस रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम महावीर सेवा समिति ट्रस्ट के पास आए हैं और ये नकली हाथ किस तरीके से काम करता है, कैसे आपको ये मिलेगा, उसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। आज हमारे साथ हैं महावीर सेवा समिति के मिस अर्चना जावेरी मैडम, वेलकम ऑन फिजियो टॉक। थैंक यू सो मच। आपने जो पहले वीडियो बनाया था जिसमें आपने इस आर्टिफिशियल लिम्ब के बारे में लगाया था, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और आज भी हो रही है, और कई लोग आज भी हमें कमेंट करके पूछते हैं कि ये हाथ अगर लगवाना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा और किस तरीके से उनको ये हाथ मिलेगा और क्या चार्जेस रहते हैं। तो आप ज़रा बताइए कि कैसे ये हाथ वर्क करता है, क्या इसके चार्जेस हैं और कैसे किसी व्यक्ति को अगर लेना है तो वो आप तक कैसे पहुँच सकता है। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब ने हमारा वो वीडियो देखा था जो कि काफ़ी वायरल हुआ। LN4 हैंड जो है, ये एक अमेरिका में बना प्रोस्थेटिक हैंड है। आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से ये हाथ हमको अमेरिका से LN4 फाउंडेशन की तरफ से और इंडिया में रोटरी क्लब ऑफ पुणे डाउनटाउन इनकी सहायता से नागपुर में दिए जाते हैं, और हम नागपुर में महावीर सेवा समिति की तरफ से ये हाथ ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, इसके चार्जेस क्या है? अगर किसी को ये हाथ परचेस करना है तो क्या कोई चार्जेस पे करने पड़ते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? नहीं, ये टोटली फ्री है। पूरा सेवा का काम है जो भी हम कर रहे हैं, एक रुपया भी इसके लिए नहीं लिया जाता। और ना सिर्फ हाथ, हम पिछले 30 वर्षों से नागपुर में जयपुर फुट का भी काम कर रहे हैं। जयपुर फुट भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लगाया जाता है, और उसका जो आगे उसमें अगर कुछ दिक्कत भी आती है या कुछ मेंटेनेंस भी है, वो भी पूरा फ्री है। तो नागपुर में महावीर इंटरनेशनल सर्विस ट्रस्ट ये कार्य कर रहा है पिछले 30 वर्षों से। इस हाथ की वर्किंग कैसी होती है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। ये जो हाथ है, ये नॉर्मल पंजे तक जिनका हाथ कटा होता है उसके लिए ये नॉर्मल सिर्फ पंजा है, और सेकेंड वाला जो है ये कस्टम एक्सटेंडर कहलाता है। जो जिनका हाथ थोड़ा पंजे से ऊपर कटा होता है उनके लिए हम कस्टम एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं, और जिनका सिर्फ पंजा नहीं रहता है उसके लिए ये सिर्फ नॉर्मल LN4 हैंड लगाते हैं। तो जितना एम्प्यूटेशन ज़्यादा, अभी हाल फिलहाल हम ये दो ही हाथ लगा रहे हैं, इसीलिए जो वीडियो में हमने बताया था कि कोहनी के नीचे 5 या 6 इंच का हाथ हमको चाहिए। जब वो 5 और 6 इंच का हाथ लेकर हमारे पास में आते हैं तो हम उनको ये दो तरीके के हाथ लगाते हैं नागपुर में। जब ये आप हाथ लगाते हैं तो ट्रेनिंग कितनी पेशेंट को दी जाती है, या कोई ट्रेनिंग में लंबा समय लगता है या तुरंत पेशेंट सीख जाता है? इसमें तो मतलब जैसे आने का ही समय पेशेंट को ज़्यादा लगेगा। यहाँ आने के बाद तो विद इन हाफ एन आवर हम ये हाथ लगा देते हैं, और ये हाथ जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा प्लास्टिक का हाथ है, और टोटली इसमें लॉक और अनलॉक, ये इस तरीके से ये लॉक हो गया और ये इसको हमने अनलॉक कर दिया। तो जो ग्रिप है, आपको जो भी सामान जैसे पकड़ना है आपने इसके अंदर ऐसे होल्ड कर लिया और उसके बाद में उसको इस तरीके से ऐसे लॉक कर दिया। तो ऐसे इस हाथ से जैसे आपको बाइक चलानी है या रोटी बेलना है या और भी काम है, जैसे कुछ लिखने का काम है या चाय पीनी है, तो वो सब काम आप ये हाथ के द्वारा कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कितना ड्यूरेबल ये अभी तक आपको देखने को मिला है? काफ़ी ड्यूरेबल है, लेकिन अल्टीमेटली मशीन ही है, तो आप जितना यूज़ करना है आपको उतना ही यूज़ करिए। अदरवाइज़ आप इसको निकाल के भी रख सकते हैं, जैसे नहाते टाइम भी आपको केयरफुल रहना है, पानी नहीं लगना चाहिए इसको। और दूसरी चीज़, अगर सोते टाइम भी आपको इरिटेशन हो रही है तो आप आराम से इसको निकाल के, बहुत ईजी है। इसमें ये बेल्ट लगा रहता है और पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, आप वो बेल्ट रिमूव करके इसको कभी भी निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। हमने लोगों से फीडबैक भी लिए हैं इस हाथ के बारे में, अभी तक जिन लोगों ने आपने जिनको ये हाथ लगाया है तो उनका भी काफ़ी अच्छा फीडबैक हमें मिला है। जो वज़न उठाने का आपने बताया, को कितने केजीज तक का वज़न इसमें उठा सकते हैं? 1 से 1.5 किलो का वज़न उठा सकते हैं इसके अंदर। 1 से 1.5 किलो का वज़न उठा सकते हैं, ठीक है। और अभी इंडिया में, जैसे हमारे व्यूवर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, तो ये सिर्फ नागपुर में ही अवेलेबल है कि इंडिया के दूसरे सिटीज़ में भी अवेलेबल? जो जैसा मैंने आपको बताया, रोटरी क्लब ऑफ पुणे डाउनटाउन ने ही हमको ये सेंटर चालू करवा के दिया है यहाँ नागपुर में, और उन्होंने इसी तरीके से और भी जगह पर कुछ कुछ सेंटर्स बनाए हैं। तो जो भी आपका लिंक रहेगा मैं आपको सारे एड्रेसेस दे दूँगी कि ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ ये हाथ लग रहा है, तो आप वो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक
लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको, जहाँ पर आपको सारा महावीर सेवा समिति का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ पर ये हाथ लगाए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ जाकर ये हाथ फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं महावीर सेवा समिति की तरफ से। दोस्तों, आपके जो भी सवाल हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका आंसर देंगे। और कुछ परेशानी अगर आपको आ रही है इस हाथ लगाने में, उसकी जानकारी भी हम आपको उस कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। आइए अब देखते हैं कि कैसे ये हाथ लगाया जाता है लोगों को और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। थैंक यू। यही पोजीशन पर दो उंगलियों का लगाने का, थोड़ा सा पुश करने का। आप पुश करोगे कुछ भी काम करने इस्तेमाल अच्छा करने का, काम होने के बाद में करो आप स्लो स्लो पहले ऊपर करो, ऊपर ऊपर करो, कोई चीज़ पकड़ाओ इनको। मेरा नाम मोहन है, मैं जिला उज्जैन से यहाँ पर हाथ कृत्रिम हाथ डलवाने के लिए आया हूँ और ये मुझे महावीर इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ से डाला गया है और अभी मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सपोर्ट के लिए। अच्छा, आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताइए। ऐसे खुल जाता है कि किसी भी सामान को इसके अंदर रखे फिर इसे लॉक कर देता है, तो फिर ये उठा लेता है उसको, छोड़ता नहीं, फिर वापस इसे अनलॉक भी कर सकते हैं, जैसे अनलॉक कर कैसे भी कर सकते हैं, इसको कहीं पर भी उठा सकते हैं और ये खुल भी जाता है, जैसे कहीं पर अगर अच्छा भी लगता है इसको खोल के भी रख सकते हैं, वापस कहीं भी। क्या काम करते हैं आप? सर मैं तो डीजे का काम करता हूँ। तो उसमें आपको ये हाथ मदद कर रहेगा सर? आपको भी हाथ लगाया गया? हाँ जी। आप क्या काम करते हैं? मेरा टेंट हाउस है। अच्छा, कैसे आप आगे इसकी वर्किंग पूरी कैसे काम करता है? ये ऐसे खुल जाएगा फिर ऐसे ही लग जाएगा। कोई चीज़ उठा के बताइए। घुमा लो उसको, लॉक हो रहा है। अब इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारा वीडियो वायरल हुआ था 27 फरवरी को, जो नागपुर में कैंप होने वाला था, वो कैंप 27 फरवरी 2022 में हो चुका। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उस वीडियो को अब आप किसी से शेयर ना करें, और अगर कोई ज़रूरतमंद आपको मिलता है तो लिंक में जो नंबर दिया है इस वीडियो में, हम सारे सेंटर्स और उनका नंबर शेयर कर रहे हैं, उस पर आप कांटेक्ट करके उनको उस सेंटर से भेज सकते हैं। नागपुर में अभी कोई कैंप नहीं है। सब मिलकर आशा का एक हाथ बढ़ाएं, ज़रूरतमंदों तक ये जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।